महिला सुरक्षा एक बार फिर इस देश में तार तार हुई है। आज मेरा सवाल है महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से, आज मेरा सवाल है मोदी सरकार से कि आखिरकार जब वो लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो क्या वो महज एक जुमला होता है? क्योंकि पुदुचेरी में एक बार फिर से 9 वर्ष की एक बच्ची के साथ रेप बलात्कार होता है, पहले उसका अपहरण होता है, उसके बाद उसको नाले में फेंक दिया जाता है। और ये सिर्फ एक मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे फिर उत्तराखंड में बैठा भंडारी का परिवार हो, इस देश में हर जगह महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4.5 लाख महिला अपराध के मामले भारत में दर्ज हुए हैं, जिसमें से 31,000 सिर्फ और सिर्फ रेप के मामले हैं। तो जब मोदी सरकार महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है, मोदी जी जब मंच से महिलाओं को बोलते हैं कि आप भारत में सुरक्षित हैं, तो वो कैसे मोदी सरकार पर भरोसा कर लें? यहाँ पर 9 साल की बच्ची जब सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित हो सकता है? और कौन मोदी सरकार से ये सवाल पूछेगा? क्योंकि जो ये बलात्कारी हैं इनके घर पर बुलडोजर नहीं चलता, जो ये बलात्कारी हैं इनके घर पर ईडी सीबीआई नहीं जाती है, इनको इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और यही कारण है कि आज की तारीख में भारत में रेप के मामले, बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं और मोदी सरकार चुपचाप बैठी है। स्मृति ईरानी के मुंह से एक बयान नहीं निकलता, एक शब्द नहीं निकलता है। आज मेरा सवाल इस देश की उन सारी महिलाओं से है जिनने भरोसा करके मोदी सरकार को वोट दिया था, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इस देश की महिलाएं मोदी सरकार को और भाजपा को जवाब देंगी, क्योंकि महिला सुरक्षा के नाम पर मोदी सरकार ने जो इस देश की महिलाओं को ठगा है वो असलियत दिन पर दिन अब बाहर आ रही है। दिन पर दिन बलात्कार के मामले भारत में बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें महिला न्याय भी शामिल है, और न्याय यात्रा निरंतर जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।